Hello everyone. Welcome to the show Hits and Memories with your own Reshmi Resham. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए और खूबसूरत एडिशन में. तैयार है ना मेरे साथ इस खूबसूरत से सफर में दोबारा चलने के लिए. सो करेंगे आज ढेर सारी बातें और सुनेंगे ढेर सारे अमेजिंग गाने जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड आई होप आप सबको भी बहुत पसंद आते होंगे. तो जुड़ जाइए मेरे साथ और चलिए इस खूबसूरत से सफर में थाम कर मेरा हाथ ओनली इन द शो हिट्स एंड मेमोरीज ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद योर ओन आरजे रेशमी रेशम. आ गई हूं दोबारा से आपके दिलों के तार को छेड़ने और सुनाने कुछ मखमली गीत. तो सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए. शो का आगाज कर रही हूं इस पहले गाने के साथ. बहुत ही खूबसूरत है फुर्सत. तो बोल हैं कि फुर्सत मिली है आज आ बैठे रूबरू. जी हाँ फुर्सत लेकर आइए और चलिए मेरे साथ अपनी जिंदगी को थोड़ा रोक कर खो जाइए इस अनोखे यादों के सफर में मेरे साथ. एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और आती हूँ वापस इस खूबसूरत से गाने के बाद ओनली इन द शो हिट्स एंड मेमोरीज विद योर ओन रेशमी रेशम. Stay tuned. रात नाराज है
Welcome back in this beautiful show Hits and Memories after this very beautiful song. Fursat, aap hai meri yani aapki RJ, aapke dil ki awaaz, Reshmi Resham ke saath aur show badastur jari hai. Aur Delhi mein kal bahut hi amazing barish hui, you know, tufaan bhi aaya. और मैं क्या सोच रही थी कि वो तूफान इतना अचानक था कि हम सब घबरा गए थे कि ये क्या हो गया. द स्काई वेंट टोटली डार्क, पूरा स्काई एकदम अंधेरा हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि ये दिन में ही क्या हो गया है, कि रात हो गई है. या ऐसा ही कभी कभी हमारी जिंदगियों में भी होता है, राइट. अचानक से कोई मुसीबत, कोई ट्रबल, कोई तूफान आता है और हम घबरा जाते हैं, सब कुछ हार कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, पैनिक करते हैं कि अब क्या होगा. ओह माय गॉड, ऐसा कभी भी हो सकता है, हमारे रिलेशंस में हो सकता है, हमारे जॉब में हो सकता है, काम की जगह पर हो सकता है. ट्रबल्स मौका देख कर नहीं आते, बट कुछ देर बाद हवा बादलों को उड़ा ले गई और रोशनी छन कर वापस जमीन पर आई. सो ऐसे ही हमारी जिंदगियों में भी होगा, तूफान आएंगे जरूर, लेकिन आपके हौसलों की हवाएं उन्हें ज्यादा देर तक आपकी जिंदगी में रोके नहीं रखेंगी. वो उन मुसीबत के बादलों को उड़ा जरूर देंगी और फिर रोशनी, उम्मीद की एक नई किरण छनकर आपकी जिंदगी में आएगी. सो कोई भी मुसीबत हो, घबराइए मत बॉस, बिकॉज जिंदगी का नाम ही है चलना. मुसीबतें नहीं आएंगी तो हम सीखेंगे कैसे, एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे, हैंडल करना कैसे सीखेंगे डिफरेंट थिंग्स को. सो मेरी तरफ से यही था आज का थॉट ऑफ द डे, जो मैं उस तूफान को लेकर सोच रही थी. सुनते रहिए शो हिट्स एंड मेमोरीज ओनली ऑन रेडियो उड़ान. अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा. मेरी फेसबुक आईडी एंड मेरा फेसबुक पेज रेशम तलवार, ट्विटर आईडी है आरजे रेशम T11 और इंस्टाग्राम पे हूँ रेशम T11 के नाम से. स्काइप पे भी हूँ बाय द नेम रेशम तलवार. इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का. वेटिंग फॉर यू गाइस एंड हियर इज द सेकंड सॉन्ग ऑफ द शो. सॉन्ग का नाम है बूंदे फ्रॉम द बैंड सिल्क रूट, संग बाय मोहित चौहान. और आई होप आपको सॉन्ग पसंद आएगा. तो सुनते रहिए रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ एंड द शो हिट्स एंड मेमोरीज, आपके अपनी दिल की आवाज आरजे रेशम के साथ. लौटूंगी इस खूबसूरत से गाने के बाद. स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर. Thank you.
जो छूके तुझे सकेंगे कभी ढूंढे तुझे निगाहें मेरी साथी थे जन्मों से राहों में क्यों खो गए मंजिल हमें हाले दिल मेरे दिल का तू जाने कहां नींद भी मेरी छिन गई चैन भी ये गया। यस गाइस वेलकम टू द शो हिट्स एंड मेमोरीज आपके अपने दिल की आवाज आरजे रेशम के साथ और शो चल रहा है। और जी हाँ ऐसा ही कुछ मेरा हाले दिल होता है जब मुझे एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है आप लोगों से मिलने के लिए। सीरियसली आई जस्ट लव टू डू माई वर्क और आप लोगों से इंटरेक्ट होने में मेरी लाइफ का बेस्ट डे होता है वो। सो आज मैं सोच रही थी रिलेशनशिप्स के बारे में। राइट रिलेशनशिप्स बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी को सजाते हैं, संवारते हैं। राइट रिलेशनशिप्स रिश्ते हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, हमारे कॉलीग्स के साथ। और कई बार रिश्ता ना होते हुए भी किसी से हमारा इतना खास रिश्ता बन जाता है कि वो दोस्त से भी बढ़कर हो जाता है, एक अजनबी एक इतना प्यारा दोस्त बन जाता है। यही होती है रिलेशनशिप्स की खासियत, बहुत खूबसूरत होते हैं। राइट तो अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के रखिए और उनकी खूबसूरती में कमी ना आने दीजिए, बिकॉज उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी में बहार है और वो बहुत खूबसूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो होता है हमारी जिंदगी का, सबसे पहला
आई थिंक हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, राइट? बट कभी कभी हम उस रिलेशनशिप में उन्हें ही बहुत बार हर्ट करते हैं, या कई बार ऐसा कुछ करते हैं जो कि उन्हें शायद अच्छा ना लगा हो. सो, हम भी जानते हैं कि वो हमेशा हमारे भले का ही सोचते हैं, बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर अस. सो, पर फिर भी टीनेज होती ही ऐसी है, जब मन अपने पंखों को नए परवाज देना चाहता है, बट घर वाले या पेरेंट्स कई बार उसमें हमारे परवाज को रोके रखते हैं या थामे रखते हैं. शायद वो जानते हैं कि टीन एज यानी युवा एज ऐसी एज है जहां शायद हम फिसल कर गलती करते, सो वो हमें थामे रखते हैं. बट हमें लगता है कि ये हमें क्यों रोक रहे हैं, ये हमारी जिंदगी है, हम मूव ऑन नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे. बट ये याद रखिए दोस्तों कि उनके लिए हम उनकी जिंदगी भर की कमाई हैं. सो वो हमें शायद रोके इसलिए रखते हैं कहीं हम फिसल कर गिर ना जाए, और अगर हम फिसल कर गिर भी गए तो भी वो हमें संभालते हैं. सो दिस वॉज फॉर ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स, कि ऐसे ही उनका ख्याल रखिए, थोड़ा उन्हें समझिए. आज की जनरेशन में हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच बहुत ज्यादा गैप है. ये गैप शायद इसलिए है कि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, और शायद बच्चे भी अपने ही लाइफ में बिजी हैं, स्कूल्स में बिजी हैं, कॉलेजेस में बिजी हैं. सो शायद पेरेंट्स सही से उन पर ध्यान नहीं दे पाते. और बात करेंगे इसके बारे में और इन आगे इन द शो हिट्स एंड मेमोरीज. सुनते रहिए मेरे साथ, और अभी चला रही हूँ एक खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए फ्रॉम द फिल्म सलाम इश्क, मेरा दिल. सुनते रहिए शो, लौटूंगी, आगे बात करेंगे इसी मुद्दे पर. स्टे ट्यून्ड. सोचो कभी, सोचो जरा, सोचो कभी, सोचो जरा. मेरी बेचैनियों का जहां देखो जरा, मेरे हम नशीं सोचो ना, देखो ना, सोचो जरा. I'm not afraid.
पलकों तले जिसके चेहरे को छुपाया, कैसे मैं बताऊं तुझे, मिलके भी वो मिल ना पाया। मुझे बाहर भर ले तू, मैं तेरे पास हूँ सनम, तेरी दीवानगी हूँ मैं, तेरा एहसास हूँ सनम। ओ तेरे ही लिए तो है मोहब्बत मेरी, जानू मैं भी जानू का तमन्ना तेरी, मेरा दिल दिल मेरा इश्क में अब तेरा हो गया, मेरा दिल दिल मेरा इश्क में जी। सोचो ऐसा होता तो चाहत के पल को ही सजा लेता, तो चाहूं भी तो ना मिटा सकूं दूरियां, तू तो जाने क्या है मेरी मजबूरियां, तेरी ही यादों में बातों में बातों में वेलकम बैक टू द शो हिट्स एंड मेमोरीज। आप है अपने दिल की आवाज आरजे रेशम के साथ, और अभी आपने खूबसूरत सा गाना सुना शान और नीरा जोशी देश पांडे की आवाज में, म्यूजिक था शंकर असान लॉय का, और शो चल रहा है हिट्स एंड मेमोरीज, और बात हो रही थी पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप्स के बारे में। सो गाइस, कभी कभी यस ऐसा होता है कि दोनों ही इतने बिजी हो जाते हैं कि शायद एक दूसरे को समझने में थोड़ी कमी रह जाती है, राइट? सो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम करने से क्यों हमें रोका जा रहा है, ऑल डे तो आप ऑफिस में होते हो एंड अब हम अकेले रह सकते हैं या अकेले ट्रिप पर जा सकते हैं फॉर एग्जांपल। सो आप उसके मोटिव तक जाइए कि आपके पेरेंट्स आपको वो खास काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए क्यों रोक रहे हैं। शायद हो सकता है उन्हें उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट गलत लगा हो जो आप वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। सो उस पॉइंट को ढूंढिए, और ये याद रखिए कि जो भी काम हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई को ही उत्पन्न करता है। सो और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि जब भी आपको वेकेशंस हो अपने बच्चों से बात कीजिए, टॉक विद योर चिल्ड्रंस एंड उनकी लाइफ में झांकिए, उनकी जिंदगी में झांक कर देखिए आखिर चल क्या रहा है उनके लाइफ में। आजकल हम लोग इतने रिजर्व हो गए ना गाइस, एक सेलफोन पे पूरा दिन हमारा ऐसे ही बीतता है। हमारे फ्रेंड्स सेलफोन्स भी कितने टाइप के आ गए हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन, लॉक प्रोटेक्शन, फिंगरप्रिंट सेंसर कि हमारे बिना और कोई उसे खोल ही नहीं पाएगा, और हमारे पेरेंट्स को पता तक नहीं होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे कौन फ्रेंड्स हैं, हमारी किससे बातचीत होती है। बट अपने आप को इतना भी रिजर्व मत रखिए कि आप अपने पेरेंट्स अपने फैमिली से ही दूर हो जाएं। सो दोनों तरफ से ही थोड़ा ओपन कन्वर्सेशन चालू कीजिए, आप भी अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अगर कोई बात है जो शायद आपको सही ना लगती हो तो आप जाइए उसे क्लियर कीजिए अपने पेरेंट्स से, डायरेक्ट पूछिए
पेरेंट्स भी अपने चिल्ड्रन से फेस टू फेस कन्वर्सेशन कीजिए, क्योंकि ऐसे ही तो रिलेशनशिप्स में जो भी कमियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं। अपनी रिजर्व होने की आदत को तोड़िए, थोड़े इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया में आए और जो आपके करीबी हैं उनसे अपने रिश्तों को बनाए। और सुनते रहिए मेरे साथ हिट्स एंड मेमोरीज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अभी बजा रही हूँ ये खूबसूरत सा गाना, इस गाने के बाद लूंगी एक टीनी वीनी छोटा सा लिटिल ब्रेक और उसके बाद आऊंगी वापस। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करते करते अगर मन हो तो फीडबैक भी दे दीजिए शो का, अगर आप पेरेंट हैं या आप स्टूडेंट हैं या कोई भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है बांट सकते हैं मेरे साथ। Only in the show, hits and memories. Stay tuned. Na 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 na. Kabhi socha hai kya? कभी सोचा है क्या बारिश क्यों भाए, क्यों गीत बेवजह होठों पे आए, क्यों अच्छी लगे पलवों में लहरें, क्यों भटके कदम एक पल ना ठहरे। ये सब इशारे हैं संग जो हमारे हैं, दिल ने सवारे हैं प्यार के लिए। प्यार के लिए
कभी सोचा है क्या, कभी सोचा है क्या, बारिश क्यों भाई, क्यों गीत बेवजह होठों पे आए, ये सब इशारे हैं, संग जो हमारे हैं, दिल ने सवारे हैं प्यार के लिए। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। यार किरण जरा 20 रुपए देना। 20 रुपए किस लिए? गरीब को देने हैं। और गरीब कहाँ है? बेचारा बाहर धूप में खड़ा आइसक्रीम बेच रहा है। ओ शट अप यार। For more info, log on to www.radioudaan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udaan, a flight of life. फिक्र करो बीते लम्हों की, कि कल का सूरज निकलना बाकी है, मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा, कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान इज एन ओनली रेडियो स्टेशन व्हिच प्रोवाइड्स factual information. I am inspired by Radio Udaan, and what about you? हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से, शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं PAATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudaan.com। सुनते रहिए जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन, ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Tired of reading? Me RJ Nisha is here with the show Book Word, where I will explain your favorite novels stuffed with emotions and will enlarge your world. So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and rewebcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Run, a flight of life. बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार तू आजकल क्लास में बहुत आंसर्स दे रही है, कोई मेमोरी बढ़ाने की मेडिसिन ले रही है क्या? ये मेरी मेमोरी का कमाल नहीं, EVO E5 डेजी प्लेयर का कमाल है, जिसने हम विजुअली चैलेंज लोगों की स्टडीज को और आसान बना दिया है।
ओ तो ऐसी भी क्या खास बात है इस ईवो ई फाइव में? अरे ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है स्टॉप वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, टॉकिंग कंपास, एफएम रेडियो जैसी यूजफुल चीजें एक साथ है। अमेजिंग। लेकिन यार पीडीएफ फाइल्स पढ़ने का भी कोई जुगाड़ है इसमें? अरे पीडीएफ टेक्स्ट के अलावा ई टेक्स्ट, ई पब, डॉक्यूमेंट फाइल और एचटीएमएल फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसे संभालेगा कौन? अरे ये तेरी पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका वेट सिर्फ 76 ग्राम्स है। इंटरनल फ्लैश कैपेसिटी 4 से 8 GB, सपोर्टेड माइक्रो एसडी कार्ड, एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। बस बस यार जल्दी बताइए मिलेगा कहाँ से? अरे और कहाँ, सक्षम से हेल्पलाइन नंबर दूँ क्या? अरे मेरे पास भी है 011-6465-0655। ईवो E5 डेजी प्लेयर न्यूआंस वोकलाइजर के साथ अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये भाषाएं हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। ईवो E5 डेजी प्लेयर के लिए थैंक्स सक्षम। नो मैटर यू आर डिसेबल और नॉन डिसेबल, इफ यू आर इन सर्च ऑफ अ लाइफ पार्टनर और अ फ्रेंड, Here's an opportunity for you. वो कैसे? वो ऐसे, आपको सिर्फ डाउनलोड करना होगा इनक्लव, एन इंक्लूसिव ऐप जो मिलाती है आपको आपके मन चाहे जीवन साथी से। My name is Tanya. I suffer from complete blindness in both my eyes. I made my profile on इनक्लव ऐप after hearing about it on radio channel. Thanks to इनक्लव ऐप, I have met new people and I have been able to find life partner for myself. मेरा नाम विशाल है, मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ। मुझे और मेरे परिवार वालों को मेरे लिए लड़की ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मुझे रेडियो उड़ान से इनक्लव ऐप के बारे में पता चला और मुझे मिला मेरा मनचाहा जीवन साथी, थैंक्स टू इनक्लव एंड रेडियो उड़ान। तो इंतजार किस बात का, आज ही डाउनलोड करें इनक्लव INCLOV प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.inclub.com और यू कैन कॉल टू 8208584524। हैप्पी मैच मेकिंग। मित्र ज्योति, दृष्टि बाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान।